हेलो एवरीवन, मैं हूं सतीश कुमार और स्वागत है फिर से अपने यूट्यूब चैनल आज का डेमो में। आज हम आपके लिए अनबॉक्सिंग लेके आए हैं सैमसंग की एडवॉस फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन की, जिसके अंदर आपको और भी बड़े अच्छे अच्छे फीचर्स मिल जाएंगे जो कि आपके सामने अभी आप देख रहे हो। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें और कमेंट्स में बताएं आपको वीडियोज़ कैसे लगते हैं। तो अब बात करेंगे हम इसी वॉशिंग मशीन के आगे सारे फीचर्स की। ये एक ऐसी वॉशिंग मशीन है सैमसंग की जिसके अंदर आप कभी भी कपड़ों को ऐड कर सकते हैं। अभी तक आपने देखा होगी वॉशिंग मशीनें जब इनको हम स्टार्ट कर देते हैं तो ये लॉक हो जाती हैं और इनके अंदर हम या तो कपड़ा निकाल सकते हैं ना ही डाल सकते हैं। बट सैमसंग की आज हम ऐसी वॉशिंग मशीन का डेमो करने वाले हैं जिसके अंदर आप कभी भी कपड़ा ऐड कर सकते हो इस डोर के थ्रू। तो आगे बढ़ते हैं इसी वीडियो में स्टार्ट। तो अभी आपने देखी इस वॉशिंग मशीन की फर्स्ट लुक। आगे हम अगर इसके बिल्ड क्वालिटी की सबसे पहले बात करें तो इसके जो फ्रंट है सारा ये मेटल का आता है, मेटल बॉडी के साथ आता है। साइड की बात करें तो ये भी सारा मेटल है, अपर टॉप भी सारा मेटल का आता है और साइडों से भी ये सारा मेटल आ जाता है। फ्रंट में जो इसकी ये देखिए, ये है इसका मेन पैनल। और मॉडल नंबर की बात करें तो इसका जो मॉडल नंबर आता है वो है, देखिए इसका जो मॉडल है WW80T554DAB1TL, जो कि एक 8 kg की वॉशिंग मशीन है। और सबसे खास बात जो इस वॉशिंग मशीन की आपको मिल रही है वो है इसका ये एड वॉश करने के लिए ये डोर। तो हम इसी की बात करेंगे। ये है सैमसंग की 8 kg की एड वॉश इको बबल डिजिटल इन्वर्टर वॉशिंग मशीन, जो कि अपने साथ लेकर आती है एक AI कंट्रोल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ आता है AI कंट्रोल। इसका फ़ायदा ये है कि जैसे जैसे आप वॉशिंग मशीन को यूज़ करते जाते हैं, जिन जिन अपने फीचर्स को जो जो आप साइकिल्स यूज़ करते हो, तो सैमसंग की ये वॉशिंग मशीन उन्हीं साइकिल्स को सबसे पहले आपको प्रेफर करती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके मेन सबसे हाईलाइटेड फीचर की, जिसका नाम है एड वॉश। इसके अंदर क्या है, जब कभी भी आप मान लो कभी कोई वॉश साइकिल स्टार्ट कर देते हो, उसके बाद आप इस डोर को जो ये पूरा प्रॉपर डोर होता है, नॉर्मली वॉशिंग मशीन में आपको इस तरह का डोर मिलता है, आप इसको ओपन नहीं कर पाते। बट सैमसंग की इस वॉशिंग मशीन के अंदर आप इसको कभी भी ओपन कर सकते हो। जस्ट इसको पॉज करना है, यहाँ से इस बटन से यहाँ से पॉज करना है और उसके बाद आप इस डोर को बड़ी आसानी से, जो ये यहाँ पे क्लिक का बटन दिया हुआ है ये दबाना है और आप इस डोर को ओपन कर सकते हो। उसके बाद आप यहाँ से कोई भी कपड़ा इसके अंदर आसानी से कभी भी किसी भी टाइम ऐड कर सकते हो। इसकी एक छोटी सी कंडीशन है बस, कि जो अंदर का टेम्परेचर है पानी का वॉशिंग मशीन का, वो 50 डिग्री से 50 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर वो उससे ज़्यादा तब ये ओपन नहीं होगा, अगर उससे लो है तो आप इसको कभी भी किसी भी साइकिल में ओपन कर सकते हो बड़ी आसानी से। इसके बाद अगर हम इसके सेकंड फीचर की बात करें तो ये अपने साथ लेके आता है इको बबल टेक्नोलॉजी को। इको बबल क्या होता है, सैमसंग ने इस वॉशिंग मशीन के अंदर नीचे की तरफ यहाँ पे अंदर एक इको बबल जनरेटर दिया हुआ है, जो कि आपके नॉर्मली देखो जैसे मशीन झाग बनाने के लिए जो टाइम वेस्ट करती है, इसके अंदर जो आपका इको बबल जनरेटर लगा हो वो इन होल्स के थ्रू ऑटोमेटिकली पहले ही झाग बना देता है और यहाँ से वो झाग आ जाता है कपड़ों में, तो जिसकी वजह से आपको कपड़ों को रोटेट करने की कम जरूरत पड़ती है और जो आपका काम मशीन रोटेट करके करती है वो एक इको बबल जनरेटर कर देता है, जिसकी वजह से आपकी वॉशिंग क्वालिटी में, वॉशिंग में टाइम भी कम लगता है और आपके कपड़ों की लाइफ भी ज़्यादा बनी रहती है। इसके बाद इस वॉशिंग मशीन के अंदर आपको एक AI कंट्रोल पैनल मिल जाता है, जिसके अंदर आप हर एक चीज़ को स्मार्ट तरीके से कंट्रोल कर सकते हो। एक एप्लीकेशन रहती है सैमसंग स्मार्ट थिंग, उसको आप अपने एंड्रॉयड या iOS डिवाइस में डाउनलोड कर सकते हो और वाईफाई से कनेक्ट होने के बाद आप पूरी मशीन को उसके थ्रू कंट्रोल भी कर सकते हो। AI कंट्रोल का बेनिफिट ये है कि जैसे जैसे जो भी आप साइकिल्स इसके अंदर यूज़ करते जाओगे, जैसे कि डेली वॉश आप ज़्यादा यूज़ कर सकते हो, ये डार्क बैंड ज़्यादा यूज़ कर रहे हो, तो सैमसंग की ये वॉशिंग मशीन आर्टिफिशली उसी ऑप्शन को सबसे पहले आपके आगे रख देगी जो आप ज़्यादातर यूज़ करते रहते हो। इसके अलावा इसके अंदर दो लैंग्वेज मिल जाती है, हिंदी और इंग्लिश,
दोनों तरह की लैंग्वेज को आप यूज़ कर सकते हो और पूरी मशीन को आप अपनी स्मार्ट थिंग एप्लीकेशन के थ्रू कंट्रोल भी कर सकते हो। इसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया है जो आप यहाँ से इस लिंक से जाके आराम से देख सकते हो। उसके अंदर मैंने सारे ऑप्शन वगैरह भी दिखाए हैं और उसको कैसे यूज़ करना है वो भी सब मैंने इस वॉशिंग मशीन के अंदर आपको दिखाया है। नेक्स्ट फीचर की बात करें तो इसके अंदर आपको हाइजेनिक स्टीम का ऑप्शन भी मिल जाता है। इसके अंदर क्या है, वॉशिंग मशीन कुछ पानी का अमाउंट यूज़ करके स्टीम बनाती है, जो कि आपके जैसे कपड़े होते हैं उनके अंदर बैक्टीरियाज़ वगैरह काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो वो आप उस टाइम यूज़ कर सकते हो। उन बैक्टीरियाज़ को 99.9% वो ये वॉशिंग मशीन उन बैक्टीरियाज़ को किल कर देती है, निकाल देती है कपड़ों में से, जिसकी वजह से आपके जो कपड़े हैं वो बिल्कुल हाइजीनिक रहते हैं। उसके बाद इसके अंदर आपको नेक्स्ट फीचर मिल जाता है डिजिटल इन्वर्टर टेक्नोलॉजी का, जो कि इसकी मोटर की ड्यूरेबिलिटी के लिए है। नॉर्मली वॉशिंग मशीन में आपको जो कंप्लीट वारंटी है वो 2 ईयर की मिलती है, इसके अंदर आपको 3 ईयर की कंप्लीट वारंटी और 10 ईयर आपको वो मोटर की वारंटी मिलती है। डिजिटल इन्वर्टर जो मोटर होती है वो एक ब्रशलेस डीसी मोटर होती है, जिसकी लाइफ ज़्यादा होती है और जिसके अंदर वाइब्रेशंस भी काफ़ी कम होते हैं और जो उसकी इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन है वो भी काफ़ी कम होती है। ये इसका मेन डोर है जो कि आप देख रही हैं, सारा ग्लास में है। इसकी भी लाइफ जो ड्यूरेबिलिटी है वो काफ़ी अच्छी है, जो इसकी क्वालिटी है वो भी काफ़ी बेहतरीन है। जो इसकी ये सामने सील है ये भी काफ़ी अच्छी और बेहतर क्वालिटी की है। अंदर के हम नेक्स्ट इसके ड्रम की बात करें तो ये एक डायमंड ड्रम जो कि सैमसंग का पेटेंट है उसी के साथ आता है, जिसके साइडों में जो होल्स आप देख रहे हैं ये वाले, ये होल्स काफ़ी छोटे होते हैं और आप किसी भी तरह का कपड़ा इसके अंदर बड़ी आसानी से वॉश कर सकते हो, ना ही इसको कभी रस्ट लगेगा और ना ही आपके कपड़ों में कोई ख़राबी आएगी, ना ही वो डैमेज होंगे। इसके अलावा आपको इसके अंदर टंबल वॉश मिल जाता है, ये एक टंबल वॉश है जिसके अंदर आपको एक और ये दूसरा और तीसरा ये ऊपर की तरफ, ये तीनों आपको इसके अंदर टंबल वॉश मिल जाते हैं, जिसकी वजह से आपके कपड़ों के अंदर बहुत ही बढ़िया वॉशिंग क्वालिटी मिलती है, जिसको कपड़ों को कोई नुकसान भी नहीं होता और कम सरफ और कम पानी के अंदर आपको बहुत ही बेटर वॉशिंग मिल जाती है। इसी के साथ आपको इसके अंदर जो डिटर्जेंट वाला बॉक्स है वो भी 3 ऑप्शन के साथ मिलता है, एक आता है आपका नॉर्मल वॉश के लिए, एक आता है आपका प्री वॉश के लिए और एक आता है आपका सॉफ्टनर वगैरह डालने के लिए। तो तीनों को आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके कपड़े बिल्कुल नॉर्मल है, ज़्यादा मैले नहीं है, तो आप यहाँ पे नॉर्मल वॉश को यूज़ कर सकते हो, और अगर आपके कपड़े बहुत ज़्यादा मैले हैं तो आप यहाँ पे दोनों साइड में डिटर्जेंट रख के प्री वॉश का यूज़ भी कर सकते हो, जिससे आपकी सॉकिंग वगैरह में मदद हो जाती है और कपड़े आपके बिल्कुल अच्छे धुल जाते हैं। और साथ ही में आप सॉफ्टनर वगैरह भी यहाँ पे लगा के रख सकते हो, जिसके थ्रू आपको कपड़ों के अंदर शाइनिंग वगैरह अच्छी मिल जाती है। इसी के साथ इस वॉशिंग मशीन के अंदर आप अगर आप स्पिन और रिंस करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, और अगर आप स्पिन सिर्फ करना चाहते हो तो वो भी आप इस वॉशिंग मशीन के अंदर कर सकते हो। इसके बाद इस वॉशिंग मशीन के अंदर आपको बबल सोक का फीचर भी मिल जाता है, जिसका बेनिफिट ये है कि कपड़ों को जितना ज़्यादा आप इसके अंदर रोटेट करोगे उतनी उनकी लाइफ कम होगी। इसकी वजह से सैमसंग ने इसके अंदर बबल सॉक का फीचर भी दिया है, जिसके अंदर सैमसंग ऑटोमेटिकली इको बबल जनरेटर के थ्रू बबल्स बना लेती है और उन बबल्स के अंदर कपड़े को जो ज़्यादा ही मैले हैं उसके ऊपर डॉट्स वगैरह डले होते हैं उनको सॉक करती है और उसके बाद वॉश करती है, जिसकी वजह से कपड़े जो हैं बिल्कुल निखर के आपको मिलते हैं। वाईफाई का कंट्रोल मिल जाता है आपको इसके अंदर, जिसके थ्रू आप स्मार्ट तरीके से अपने मोबाइल से भी इस वॉशिंग मशीन को कंट्रोल कर सकते हो। ये इसका रोटेशन वाला बटन है, जिसके थ्रू आप ऑप्शन को रोटेट कर सकते हो, और ये इसका ओके के लिए बटन आ जाता है। अगर आप जैसे कोई भी ऑप्शन आप चूज़ करना चाहते हो, यहाँ से ओके वाला बटन है, और यहाँ से आप टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हो, यहाँ से आप पानी का लेवल आप सेट करके रख सकते हो, यहाँ से आप RPM सेट कर सकते हो और यहाँ से अदर फीचर्स को यूज़ कर सकते हो। तो ये था इसका जो मेन पैनल आपके सामने की तरफ देख रहे हो इसकी डिटेल। इसी के साथ सैमसंग की जो ये फ्रंट लोड एडवॉश वॉशिंग मशीन है अपने साथ 5 स्टार रेटिंग को लेकर आती है, जिसके अंदर आपको जो इसकी एनर्जी कंजप्शन है 0.09 किलोवाट पर आवर आपको मिलती है, जो कि बहुत ही एक बेहतरीन स्टार रेटिंग है, यानी कि इसकी वॉशिंग मशीन की जो इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन है वो भी काफ़ी कम है। इसी के साथ इस वॉशिंग मशीन के अंदर आपको इमरजेंसी ड्रेन का ऑप्शन भी मिल जाता है, यहाँ से इस मशीन को आप यहाँ से ओपन करके अंदर इसके एक रोटेशन वाला ड्रेन करने के लिए लगा होता है, उसको आप मूव करके
अगर आपको ज़रूरत है इमरजेंसी में इसको ओपन करने की, तो आप इस डोर को सॉरी ड्रेन वाले बटन को घुमा के यहाँ से पानी निकाल सकते हो, और उसके बाद वॉशिंग मशीन को बड़े आराम से ओपन भी कर सकते हो। इसी के साथ इस वॉशिंग मशीन के अंदर आपने वाईफाई को कैसे कनेक्ट करना है या इसके जो फीचर्स हैं उनको कैसे यूज़ करना है, तो उसके लिए यहाँ पर बार कोड दिया है, आप इसको स्कैन करके भी इसकी पूरी डिटेल को जान सकते हैं। तो कैसी लगी सैमसंग को आपकी एड वॉश वॉशिंग मशीन इको बबल जनरेटर के साथ आना और साथ ही एआई कंट्रोल के साथ, कमेंट्स में ज़रूर बताएं। तो कैसी आपको वीडियोस लगी वो भी ज़रूर बताएं। दोबारा आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही नई नई वीडियोस को देखने के लिए लाइक करते रहें। तो मिलते हैं किसी और नए प्रोडक्ट की नए डेमोन्स्ट्रेशन के साथ। ओके, टाटा, बाय बाय।